और हाँ, इसको लगाने के मालूम कौन कौन से फायदे हैं। इसको लगाने से आपकी फेस के ऊपर जो एक ग्लो आ जाएगा, मतलब आप मेकअप करेंगे ना 5 मिनट में इतना अच्छा ग्लो आएगा कि आप जान ही नहीं सकते, एकदम मतलब दुल्हन वाला ग्लो आ जाएगा। अरे मिला, चुप ना करा सा। अपने भाई को, अपनी बहन को बाबू वगैरह बोला करो, जिसमें कोई और बाबू बोले ना तो ज्यादा अच्छा ना लगे। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं शादी में, तो आपको सब कुछ पता होगा, इतना ज्यादा ग्लो, इतना अच्छा ग्लो कैसे आप कर सकते हैं। तो इतना अच्छा, इतना ज्यादा ग्लो आप कैसे ला सकते हैं 5 मिनट में, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये जो है कि ना, ये जो मैंने बालों को ये जो बालों को मैंने मार तो नहीं, मेकअप छूट जाएगा। ये जो मैंने बालों को कर्ल क्यों ना घर में क्यों, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो में देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शादी में जाने के लिए यहाँ पर मैंने लगाई थी एक हाथ में मेहंदी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है बस आधे घंटे में ही। और ये मेरी मेहंदी सूख चुकी है और यहाँ पर मैंने इसको मस्त में धुल ली हूँ। तो शादी में जाने से पहले आप ये फेस पैक जरूर ट्राई करना, आपको बस 5 मिनट पहले ये लगाना है। इससे आपके फेस पे इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा कि आप जान ही नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या करी हूँ, कांच की कटोरी ली हूँ। अगर आप कोई भी फेस पैक वगैरह बनाते हैं तो आपको कांच की कटोरी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे ना कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर मैं ली हूँ नॉर्मल हल्दी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी ली हूँ, ठीक है, आपके फेस के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो दूसरों के लिए भी बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड रही हूँ 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपायर नहीं यूज करना है। और 1 चम्मच घर का पिसा हुआ बेसन, ठीक है, चने का बेसन। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून रोज वाटर, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से डिहाइड्रेशन से बचेगी। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऐड कर रही हूँ करीब आधा चम्मच कोकोनट ऑयल, और पानी डाल के इसको मैंने पेस्ट बना ली हूँ। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। यहाँ पर मेरा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। मेरा ट्राईपॉड पता नहीं कहाँ चले गया था, इसलिए मैं इसको एक हाथ से मिक्स भी नहीं कर पा रही थी। इसको हम लोग 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिसमें इसके जो अंदर का मटेरियल है ना फूल जाए। तो दोस्तों, अभी मैंने क्या कर रही हूँ ना, अपना फेस नॉर्मल सोप से धुल ली हूँ, यानी फेस वॉश से। आप चाहे तो कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपके फेस के ऊपर जितना भी जो भी ऑयल वगैरह वो रिमूव हो जाएगा और आपका फेस पैक बहुत अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये ले ली हूँ हमारा फेस पैक को बना के, सब मिक्स करके हो गया है, कम से कम 10 मिनट हो गया है बस, तो जुल्फे तो हटती नहीं है, ठीक है। और हाँ, इसको लगाने के मालूम कौन कौन से फायदे हैं। इसको लगाने से आपकी फेस के ऊपर जो एक ग्लो आ जाएगा, मतलब आप मेकअप करेंगे ना 5 मिनट में इतना अच्छा ग्लो आएगा कि आप जान ही नहीं सकते, एकदम मतलब दुल्हन वाला ग्लो आ जाएगा। दोस्तों, इसको लगाने के इतने सारे फायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप चाहे तो किसी भी चीज़ की मदद से लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको लगाने से ना आपकी स्किन पे जो ठंडी की वजह से ना ड्राइनेस आ जाती है और आपकी स्किन बहुत अजीब सी डल डल लगती है ना, तो वो चले जाएगा और ग्लो आ जाएगा, जैसे दुल्हन लोगों को आ जाता है। तो यहाँ पर मैं चम्मच से भी लगा रही हूँ और ब्रश से भी लगा रही हूँ। आपको इसे ना पूरा अपने फेस को कवर कर लेना है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। और हाँ, मैं ये बता दूं कि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन वालों के लिए है और ठंडी के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी हूँ अपने फेस पे पूरा, और ये मेरा भाई भी आ चुका है पीछे से। नहीं, फेस पैक बनाई हूँ। क्या होगा इसे? इससे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इससे आपकी फेस पे ना एक ग्लो आ जाएगा अच्छा सा, और आपके स्किन के ऊपर होने वाली पिगमेंटेशन वगैरह जो है वो रिमूव हो जाएगी। देखो, आपको ना हेयरबैंड वगैरह पहन लेना, ऐसे ना बाल पूरे आगे आते हैं। शी बाबा, बिलाल पंखा बंद कर, बाबू जरा पंखा बंद कर। अपने भाई को, अपनी बहन को बाबू वगैरह बोला करो, जिसमें कोई और बाबू बोले ना तो ज्यादा अच्छा ना लगे, ऐसे लगे हाँ कि नॉर्मल है। बाबू ना एक स्पेशल फील कराता है। अब जब एक बार क्या हुआ ना, मैं गांव में गई थी, चुप ना जरा सा, मैं गांव गई थी हाँ, तो वहां पर अब ना मेरी आदत है, मैं अपने भाई बहन को ना बाबू बोलती हूँ, बाबू बाबू बोलती हूँ, तो एक आदत पड़ी रहती है ना।
तो आप बच्चे लोगों को, अरे मिला चुप ना कर ऐसा, दिमाग खराब कर रहा है, आ जाता बस भयाना लग जाता है भोबड़ा, डर रही है वो, हटना जाओ। तो वहाँ गांव में ना बाबू मतलब भाई को भी बोलते हैं, अरे सॉरी अब्बा को बोलते हैं बाबू, बापू बाबू बोलते हैं हमारे लखनऊ में जो थोड़ा गांव साइड एरिया है ना वहाँ पे, बाबू भैया बोलते हैं। हाँ, और बाबू यहाँ तो बोल, बाबू का मतलब यहाँ होता है भाई, नहीं भाई होता है बच्चा होता है। आ बिला लगा दो, आ जल्दी आ जल्दी आ, तू मत लगा, तू हट फेस पे पिंपल वगैरह नहीं, जल्दी आ, आना इधर ऊपर आ, अरे आना, अरे आ जल्दी आ जल्दी आ, गद्दारी कर बे गद्दारी कर बे। तो सब लोग बोलने लगे कि बाबू बाबू क्यों बोलते, अरे हम अब्बा थोड़ी ना, मैं बोली अरे बाबा बाबू का मतलब होता है भाई बच्चा छोटे वहाँ, उन्होंने क्या बाबू को ये बोलते करके बोले। अच्छा तो देखो ये फेस पैक अगर नुकसान करता ना तो मैं अपने भाई को नहीं लगाती, खाली मैं ही लगाती, तो ये मैं अपने भाई को भी लगा दी। और इसको कभी भी आपको ना धोना नहीं है, मतलब जो थोड़ा सूख जाएगा ना 5 मिनट के लिए वेट करना है, तो इससे लगाने से आपकी फेस पे होने वाली पिगमेंटेशन रैशेस वगैरह दूर हो जाएगी। और अगर बस रुकना जरा बोलेगा ना मेरे को, फिर और क्या बोलते हैं जो आपके फेस पे एक्ने वगैरह होता है ना वो थोड़ा रिमूव हो जाता है। अभी सर्दी का टाइम है ना, तो इसकी मैं बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। इसके लगाने के ना बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं ना तो अभी ठंडी के टाइम पे क्या होता है ना आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, किसी किसी की स्किन पे मतलब ड्राइनेस आ जाती है, तो इससे वो रिमूव हो जाता है और साथ में आपकी स्किन को हील करता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन वगैरह है तो उसको भी दूर करने में मदद करता है। अगर रेड स्पॉट्स ब्लैक स्पॉट्स व्हाइट स्पॉट्स होते हैं तो उसको भी रिमूव करने में मदद करता है, साथ में एक्ने वगैरह को भी दूर करने में मदद करता है। तो आप चाहे तो इसको हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं, हफ्ते में 3 बार लगाइए, इस के चलता है। कोई भी फेस पैक वगैरह आप हफ्ते में 3 बार लगाइए, मैं तो यही बोलूंगी ये वाला फेस पैक आप हफ्ते में 3 बार लगाइए, ठीक है। अब इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे, फिर इसको धुल लेंगे, धुलने के बाद करेंगे थोपेंगे, खूब सारा मेकअप अपनी असलियत छुपाएंगे। वो वीडियो के सामने आता है तो एकदम भय भय की आवाज, मां नहीं लगाते तो बराबर तो लगा, इधर तो लगा, क्या मेरे दांत ज्यादा चमक रहे हैं, इधर ये देख, देख मेरे दांत ज्यादा चमक, देख अभी ना फिलहाल क्या हुआ है। देखो अभी मैंने ना ये परांदा बांध ली हूँ और मैंने थोड़े से ना अपने यहाँ पे बाल निकाल ली हूँ। अभी मैं ना मेरे पास कर्लर नहीं है, हाँ बाल को कर्ल करने वाला वो नहीं है, लेकिन हाँ मैं अभी आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, घरेलू नुस्खा है। और ये देखो अभी ये हो गया है और अब मैं इसको ऐसे 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 करके घस घस के इसको तेल से निकाल दूंगी और 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ, ठीक है। ये देखो मेरा फेस मैंने धुल ली हूँ और एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है और अब हम लोग इसको नॉर्मल इससे पोंछ लेंगे, ठीक है। और ये एकदम अच्छे से हो गया, अब मैं आपको ना मेकअप ट्यूटोरियल दिखाती हूँ, थोड़ा इसको सूख जान दो फिर इसके बाद मैं मेकअप ट्यूटोरियल दिखाती हूँ, जब तक मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल लुक है। तो यहाँ पर मैंने पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर ली हूँ, आपकी ऑयली स्किन है तो आप यही लगाइए, अगर आपकी कोई और स्किन है तो आप वो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्राइमर लगाई हूँ, 2 मिनट वेट करना है, कुछ भी आप लगाते हैं तो 2 मिनट तक के वेट करना है, पंखे के नीचे बैठना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आईब्रोज सेट कर रही हूँ एकदम मस्त वाला ब्राउन कलर से। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की मदद से और ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके मैंने इसको ब्लेंड कर ली हूँ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो बहुत सारे लोगों की ना गर्दन वगैरह बहुत ज़्यादा चमकती है, तो आपको क्या करना है फाउंडेशन के अंदर हाइलाइटर मिक्स करके अपने हाथों पे अपने गले पे गर्दन पे इसे लगा लेना, इससे क्या होगा आप एकदम चमकेंगे लाइट में, ठीक है। तो ये एक हैक हो गया। अब यहाँ पर मैं सेटिंग पाउडर से एकदम मस्त में सेट कर ले रही हूँ और जो मेरा ब्लशर है ये देखिए हाइलाइटर, इसी के मदद से मैं पूरा आई मेकअप कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने ब्राउन और थोड़ा लाइट वाला लगाई हूँ। अब मैं एकदम पतला सा आईलाइनर लगा रही हूँ, आईलाइनर आपको पतला ही लगाना है अगर आपकी आईज छोटी है, अगर आपकी आईज बड़ी है तो आप कैट वाला विंग आईलाइनर लगा सकते हैं। मेरी आँख थोड़ी छोटी है ना इसलिए मैं पतला लगा रही हूँ। अब मैं ब्लश लगा रही हूँ और हाइलाइटर लगा दी हूँ और नोज पे चीक्स पे, और ये जो मैंने 50 रुपीज़ का आई ग्लू लेके आई थी ना आईलैशेस ग्लू वो मैंने लगा दी हूँ, और ये 30 रुपये वाला मैंने लगाई हूँ आईलैशेस। देखो कितना खूबसूरती से ये लग रहा था और नूरिया मुझे बार बार हंसा रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और यहाँ पर फाइनली ये लग चुका है
और देखो थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैंने लिप बाम लगाई, फिर लिप बाम लगाने के बाद आपको कभी भी लिपस्टिक लगाना है अगर आप मैट लिपस्टिक लगाते हैं तो, वरना आपके लिप्स एकदम ड्राई ड्राई हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे साथ हो गया था मोए मोए क्योंकि मेरा जो लिपस्टिक का ब्रश था वो टूट गया था, तो यहाँ पर मैं डबल शेड लिपस्टिक लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने पिंक लगाई हूँ, उसके बाद मैंने मरून कलर का कॉम्बिनेशन करके लगाई हूँ, जिस आप इसका कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कितना खूबसूरत मेरे लिप्स पे लग रहा है। अगर आपके लिप्स बड़े हैं तो और ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। यहाँ पर मैंने थोड़े से बाल रिमूव करके रखी थी क्योंकि मुझे कल करना था और मेरे पास कलर भी नहीं था, तो यहाँ पर मैं हैक ट्राई कर रही थी, बस मैं लेने गई थी क्या बोलते हैं ये लाइटर, तो ये आ गई थी बीच में नाचने के लिए। तो लाइटर को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है यानी गीले कपड़े से। अब मैं इसको गर्म करने जा रही हूँ क्योंकि मेरा गैस उधर रखा हुआ था, और आपको अपने फ्लिप्स को उठा के ऐसे ऐसे करना है। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। मेरा बाल चिपक गया। बिलाना कितना मजा आ रहा, देखो ना। इसको लगा कि मैं सच में जल गई हूँ तो मजे लेने के लिए आ गया था, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। और फिर मैंने जब इस तरफ करी ना, यहाँ के बाल थोड़े पतले थे, ये देखिए इसका रिजल्ट। मुंह चिपकेगा ना इसमें तब मालूम पड़ेगा तेरे को। मक्खी बन जाएगी। अभी ये वाला फिर से करती हूँ ना, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला थोड़ा ज्यादा बाल था ना इसके लिए, इसको तीन कर देती हूँ। ये क्या कर रही है इसमें घुस के? ए बिलाल देख इसको देख। ये BTS वाला है ना, ये पिंक 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 वाला, ब्लैक पिंक वाला BTS नहीं पसंद, ब्लैक पिंक वाला ना। तो देखिए फिर अब मैंने इस तरफ का वापस से मैंने लाइटर लेके वैसी कल कल करी। अब देखिए इस तरफ का होता है या नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। ओ माय गॉड, मैं गुलाब जैसी दिख रही हूँ कि नहीं? गुलाब जैसी गू दिख रही है तो हटो, तेरे से तो अच्छी दिख रही। जबरदस्ती मेरे वीडियो में घुस रही है गुलाब पूजाई। ओह माय गॉड, ओह वाह, ये और करूँ क्या थोड़ा सा? मैं तो यार अच्छा लग रहा है अभी। वाह, ये मैंने घर में करी हूँ, घर में ऐसे लग रहे हैं बिना मशीन के नहीं। तो अभी मैं आ रही हूँ थोड़ा सा। किसका दुपट्टा अच्छा लग रहा है, मेरा या इसका? तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये मेरे जो मैंने घर में हैंग ट्राई की हूँ, बहुत ही ज्यादा रावा से एकदम बवाल मचा रहा है। तो चलो भैया आगे के बता देता, बस मेरे को वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना जिसमें आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं शादी में, मेरी बहन का मेकअप लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये है मेरी बहन, आप तो इसको जानते हो, जो अभी हरामी कौन है, मैं आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये पागल है बेवकूफ है रे बाबा, बाय बाय।